देखो इधर क्वेश्चन है, एक्स भागा दू बराबर दू भागा दू भागा एक्स, कहता है कि द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण है तो इसका मूल भी ज्ञात। द्विघात समीकरण कब होगा? द्विघात समीकरण कब हो जाएगा? अब इसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे हल किया जाए। हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे इसे एक लगा देंगे, इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। P बाटा Q के रूप में आ गया। अब इसे हल करेंगे। X बाटा A का भागा का उल्टा, तो उल्टा होगा तो ये भी उलट जाएगा। एक बाटा इसका अगर गुणा करेगा उल्टा करेगा तो ये भी उल्टेगा। दो बाटा एक फिर भाग का गुणा उल्टा हुआ तो एक बाटा दो। इसके बाद हो गया भागा का उल्टा तो पलट पलट गया ना। आप क्या करेंगे? सीधा सीधी गुणा करते हैं। सीधा एक से एक, एक का गुणा एक, दो दो का गुणा चार। अब यहां पर क्या लिखिएगा? दो से दो कट भी सकता है ना, कट गया तो बच गया वन बाई एक्स। तिरछा क्या कीजिएगा? यहां लिखिए तिरछा गुना। तिरछा गुणा करेगा तो होगा एक से स्क्वायर बराबर, एक से स्क्वायर प्लस इधर के कहा जाएगा। अब कौन समीकरण है? द्विघात है। यहां लिखो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो मूल निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर चार को इधर माइनस लगेगा प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब प्लस द्विघात समीकरण का नियम है कि इसका आंसर प्लस माइनस में लिखेंगे। वर्गमूल दो हो गया।